अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स आर्टिकल 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन एंड एक्सप्लेन करेंगे, देन हम सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करेंगे, देन सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिवेल्प करेंगे एंड एट द एंड उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे जिन पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के एंड पे हमने एक स्टोन अटैच किया है और स्टोन अटैच करने के बाद उस स्ट्रिंग को हमने अपने हाथ में अगर पकड़ के घुमाएं तो हम देखेंगे कि ये जो स्टोन है ये सर्कल के अंदर मूव करता, आपको सर्कल के अंदर मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसमें वो एक सर्कल के अलोंग जो है वो मूव करे, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन को। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है तो आपको ये जो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है इसमें एक एडिशन करनी पड़ेगी, इसको आप नोट कर लें। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो सेम रहती है, इस ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसके एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक बड़ी ही फेमस एग्जांपल है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसका मतलब ये है कि मून एक सर्कुलर पाथ के अंदर अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता है, तो इसकी इस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन, या ये सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम स्ट्रिंग के एक एंड पे एक स्टोन को अटैच करें और फिर स्ट्रिंग को जो है वो अपने हाथ से घुमाएँ, तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव करता है। अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी स्टोन है इस केस के अंदर वो एक सर्कल के अंदर मूव नहीं करता, बल्कि वो टेंजेंट टू द सर्कल फ्लाई ऑफ कर देता है। अब इस बात का क्या मतलब कि जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव नहीं करेगा, बल्कि वो एक ऐसी लाइन के अलोंग जैसे आपको नज़र आ रही है टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तो इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में जो आप स्टोन है वो फ्लाई ऑफ कर जाता है, यानी इससे दूर चला जाता है। अब फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ऐसी क्या चीज़ थी जो कि इस ऑब्जेक्ट को यानी इस स्टोन को मजबूर कर रही थी कि ये सर्कल के अंदर मूव करता रहे। तो स्ट्रिंग एक्चुअली इसको एक फोर्स अप्लाई करती है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, और उस फोर्स का नेम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है, सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी हो सर्कमफेरेंस के ऊपर, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो इस केस के अंदर जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वही एक्चुअली ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता रहता है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में भी गिवन है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिगर 3.27, अ स्ट्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिगर बी की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ अनएबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जब वो अनएबल थी, जब स्ट्रिंग टूटी है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेसेसरी थी वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, जो ऑब्जेक्ट है यानी स्टोन फ्लाई ऑफ कर गया इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट। अब इसको डिफाइन करते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता रहे, ऐसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इस केस के अंदर जो फिगर ए है, जो टेंशन है स्ट्रिंग में वही प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो सर्कल के अंदर मूव करता है। और अगर ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रॉन्ग एनफ ना हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सके, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है यानी इस केस के अंदर जो स्टोन है वो फ्लाई ऑफ कर जाता है टेंजेंट टू द सर्कल। अब इस केस में तो जो स्ट्रिंग है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपेटल फोर्स, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस केस में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है, ये एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि टू मैसेज के दरमियान होती है, कि हर मैस जो है वो दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, या हम कह सकते हैं कि मून एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिवेलप करते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास एम है और वो वी वेलोसिटी के साथ इस सर्कल में मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो वी है, और इस सर्कल का जो रेडियस है यानी सेंटर से लेके इसके जो सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है वो आर है। तो अब इसी स्टेटमेंट को आपने लिखना भी है, तो इसको कैसे फिर आप लिखेंगे। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब आपको पता है कि इस ये जो ऑब्जेक्ट जब सर्कल के अंदर मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर लम्हे चेंज हो रही होगी, यानी इस वक्त अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे अब कर्सर को रेड कर्सर जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आती है। अब सर्कल में मूव करने की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, दैट्स वाई द नेम इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी से डिनोट करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड सी फॉर सेंट्रीपिटल, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है वी ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वी स्केयर ओवर आर, वेयर वी इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपने फोर्स को लिखा होगा एफ इज़ इक्वल टू एम ए, इस चैप्टर के हमने स्टार्ट में ये आर्टिकल पढ़ा था, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन लिखना चाहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का इसलिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाती है, तो हम उसी फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, और उसका फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, अभी हमने देखा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको एफ सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा साथ सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं सी। तो अब एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जब सर्कल के अंदर मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसे ए सी से डिनोट करते हैं। तो इसी फार्मूले में हम ए के साथ भी एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं सी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करते हुए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जो कि एफ सी इज़ इक्वल टू एम ए सी आपको नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इस फार्मूले से हम जज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। तो नंबर वन फैक्टर जो है वो मैस है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। नंबर टू फैक्टर है वो जो बॉडी की स्पीड है या उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसके स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है, सो स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी। और नंबर थ्री के ऊपर वो रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करती है, और इसके क्या है वो रेसिप्रोकल है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से बड़े ही फेमस एमसीक्यू पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, उनमें से मैं एक आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको टू टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए, यानी न्यू स्पीड जो है उसको मैं वी प्राइम कहूँ, तो वो जो पहले की स्पीड है उससे टू टाइम ज़्यादा है, तो बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगी या कितने गुना हमें वो रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी का जो है वो स्केयर है, तो जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टू का स्केयर फोर आ जाएगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें कितने टाइम ज़्यादा चाहिए होगी, फोर टाइम, या हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इंक्रीज़ कर गई है फोर टाइम। तो आज के लेक्चर में इतना ही।